जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आप वीडियो लेकर के आया हूँ, वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो कुछ व्यूवर्स का मुझसे क्वेश्चन था कि गुरुजी, साधना, अप्सरा साधना कितने दिन में पूरी हो जाएगी या फिर कितने दिन में प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। इस क्वेश्चन पर ज़्यादातर लोग टिके हुए हैं, क्योंकि उनका सबसे पहले यही होता है कि जल्दी से जल्दी हो जाए, बस किसी भी तरीके से जल्दी साधना पूरी हो जाए। तो उसी बारे में मैं थोड़ा सा कुछ विस्तार से ही बताऊंगा आज आपको, ठीक है। और वो सब बताने से पहले मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरी देखें, स्किप ना करें। और एक मेरा दूसरा चैनल है तंत्र और अप्सरा विज्ञान के नाम से, उसका मैं आपको चित्र आपको मैं भेज दूंगा वीडियो में ही जो आप देख रहे हैं। तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपको जो कि तुम्हारे आध्यात्मिक साधना में हेल्पफुल होने वाली है वही मैं उस पर डालूंगा, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आप मुझसे ये कहोगे कि गुरुजी, साधना कितने दिन में पूरी हो जाएगी या कितने दिन में प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, अप्सरा साधना हो, यक्षिणी साधना हो, किन्नरी साधना हो, कोई सी भी साधना हो, आपके भाव के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका भाव कितना है। साधना करते वक्त आप कितना शक्ति की तरफ पूरी तरह से दिल से दिमाग से कितना शक्ति को चाहते हो और किस तरह से आप साधना कर रहे हो, सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लिया कि आपने साधना तो स्टार्ट कर दी, सामग्री भी ले ली, सामग्री लेकर के साधना शुरू की, लेकिन आपका भाव नहीं है, आप माला का से जाप कर रहे हो और आपका मन कहीं दूसरी जगह लगा हुआ है, आप सोच रहे हो कि ये काम कल करना है, वो काम ऐसे हो गया, उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, या घर पे ये प्रॉब्लम चल रही है तो इसको कैसे हल करना है, उधर मंत्र जाप चल रहा है और उधर आपके दिमाग में फिर ये चल रहा है, तो फिर साधना पूरी नहीं होगी, जल्दी से आपका प्रत्यक्षीकरण होगा ही नहीं, चाहे आप 21 दिन नहीं 21 महीना कर लो तब भी कुछ नहीं होने वाला है। और ये कोई मेरी मुट्ठी में नहीं होता कि मैंने निकाली जेब से और अप्सरा आपको पकड़ा दी, ये भी मैं बता देता हूँ, मैं आपको साधना सामग्री प्राण प्रतिष्ठित दे दूंगा, आपको विधि भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको करना है और कैसे किया जाएगा, मतलब कि सही जानकारी मैं आपको दे दूंगा। लेकिन भाई, आपको अपना भाव तो खुद को ही रखना पड़ेगा, आपको अपना मन तो खुद को ही लगाना पड़ेगा। जब तक आपकी साधना में एकाग्रता नहीं होगी तब तक आपको जल्दी से अनुभव भी प्राप्त नहीं होंगे, प्रत्यक्षीकरण की बात तो दूर है। तो इस क्वेश्चन को लेकर के बहुत लोग प्रभावित हैं और वो जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। तो मैं एक बात और भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि साधनाओं में कोई शॉर्टकट नहीं होता। और कुछ लोग तो ये कहते हैं मुझसे कि जी, साधना आप ट्रांसफ़र कर दो, मतलब कि अप्सरा आप ट्रांसफ़र कर दो। भैया, ट्रांसफ़र नहीं होती ऐसे। और जो लोग ट्रांसफ़र के चक्कर में रहते हैं ना, वो सिर्फ अपना पैसा दे करके किसी को भी और चुपचाप अपने घर बैठ जाएंगे, क्योंकि ट्रांसफ़र होगी नहीं। देखिए, अगर मैंने कुछ खाया है तो वो मेरे ही पेट में आएगा, आपके पेट में नहीं जाएगा। साधना का नाम है अपने शरीर को साधना। अगर मैंने अपना शरीर साधा हुआ है तो मैं आपका शरीर को कैसे साध सकता हूँ, वो तो खुद ही आपको साधना पड़ेगा। मैं आपको विधि तो बता सकता हूँ, ठीक है, आपका मार्गदर्शन कर सकता हूँ, लेकिन साधना आपको खुद ही करनी पड़ेगी। और इसमें कोई ऐसा अलग से कोई ऐसा टॉपिक नहीं होता है या ऐसी कोई विधि नहीं होती है कि आपको इतने दिन में प्रत्यक्षीकरण हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोगों को एक एक साल हो गया है साधना करते हुए, लगातार साधना कर रहे हैं लेकिन फिर भी प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा है,
कारण क्या है? कारण वही है कि जब तक आपकी एकाग्रता नहीं होगी, एक जगह ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाओगे, तब तक साधना सिद्ध जल्दी से नहीं होती है। तो अब उस स्थिति में आप मुझसे कहोगे कि गुरु जी कितने दिन में साधना सिद्ध हो जाएगी? तो भाई ऐसा मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकता कि कितने दिन में आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी। हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने पहले कोई साधना की हो और उसका मन एकाग्र हो, वह अपने मन को एकाग्रता कर सकता है, तो उसको साधना में अनुभव बहुत जल्दी मिलेंगे। ठीक है, पहले से आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर आप हैं और आप साधना कर चुके हैं, कोई ना कोई आपको ध्यान लगाने की मतलब विधि और उसको ध्यान कैसे आपको लगाना है वो सब आपको पता है, आपका मन एकाग्र हो जाता है, ठीक है, तो बहुत जल्दी आपको जो है साधना सिद्ध हो जाएगी। पहले आपको अनुभव होंगे, अनुभव में आपको ये भी पता लग किया जाएगा कि भाई आप किसी तरह से साधना ना करो, कुछ इस प्रकार के भी अनुभव होंगे कि आपका मन एकदम से अलग हट जाएगा साधना से, क्योंकि कोई भी शक्ति है वो नहीं चाहती जल्दी से कि मैं किसी के वश में चली जाऊं। तो इसलिए वो आपको साधना से आपका ध्यान भटकाने की कोशिश की जाएगी, आपको हर तरह की उसमें समस्या भी आएगी। तो इस तरह से कोई भी ये नहीं कह सकता कि आपको साधना इतने दिन में आपको सिद्ध हो जाएगी। ये तो एक तरीके से भ्रमित करना हो गया कि कोई कहता है कि मैं एक दिन में साधना सिद्ध हो जाएगी, कोई कहता है कि 10 दिन में साधना सिद्ध हो जाएगी, या 11 दिन में जो आपका प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, आप इतने पैसा आप दे दीजिए, तो ये भ्रमित करने वाली बात है सिर्फ, और कुछ नहीं है। वो साधना तभी सिद्ध होगी जब आप का मन पूर्ण रूप से एकाग्र होगा, एक जगह आप अपने मन को लगा सकते हो, तभी आपको संपूर्ण सफलता मिलेगी। और मुझे ये कहेंगे कि कितने दिन में साधना सिद्ध हो जाएगी या क्या होगा, तो भाई अब साधना जब स्टार्ट करोगे ना, तो तब आपको पता लगेगा कि भाई साधना मुझे कितने दिन में सिद्ध हो सकती है। क्योंकि जैसे ही आपको अनुभव आएंगे, तो अनुभव के आधार पर ही मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको इतना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई हाँ, मैं साधना में सही रास्ते पर हूँ। क्योंकि अगर आपको अनुभव होंगे, अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन अनुभव होने चाहिए, तो उसमें आपको ये आप समझ लीजिए कि मैं सही रास्ते पर हूँ, मेरी साधना सही रास्ते पर चल रही है। चाहे भले ही आपको अनुभव डरावने हों, गलत हों, कैसे भी हों, वो शक्ति की तरफ से आएंगे, तो तब आपको पता लगेगा। अब आप डायरेक्टली मुझसे पहले ही आप पूछने लगो कि जी कितने दिन में साधना सिद्ध हो जाएगी, तो भाई इसका कोई प्रश्न नहीं उठता है, सच्चाई तो यही है। ठीक है, तो अब जो वीडियो मैंने आपको बनानी थी उस टॉपिक पर मैंने आपको पूरी वीडियो आपको बना दी है, और मेरे विचार से आप समझ भी गए होंगे। तो इसी के साथ मैं अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो बोलिए मेरे साथ में, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।